गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करेंगे कक्षा सिक्स की फर्स्ट चैप्टर जो एक प्रार्थना है और जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे ताकि आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पता हो जाएं और आप उसकी व्याख्या करते हुए अच्छे से उसको समझ सकें। तो शुरू करते हैं। पहला है जग। जग का आंसर है संसार। जग का अर्थ है संसार। चिर, इसका अर्थ है सदा रहने वाला। आगे है सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता। आगे है मानव। मानव का अर्थ है मनुष्य। आगे है हित। हित का अर्थ है भलाई। शक्ति, शक्ति का अर्थ है ताकत, पावर जिसको बोलते हैं। भय, भय का अर्थ है डर। संशय, संशय का अर्थ है शक। अंधभक्ति, अंधभक्ति का अर्थ है अंधविश्वास भरी भक्ति, अंधविश्वास भरी भक्ति। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है उजाला, रोशनी। अखिल, अखिल का अर्थ है समस्त, सब, सारे, संपूर्ण। अखिल का अर्थ है समस्त, सब, सारे, संपूर्ण। परित्राण, इसका अर्थ है पूर्ण रक्षा, बचाव, सेफ्टी जिसको बोलते हैं। विश्व, विश्व का अर्थ है संसार। नवजीवन, नवजीवन का अर्थ है नया जीवन। विहान, विहान का अर्थ है सवेरा। और नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने किया फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम करेंगे इस पाठ की व्याख्या। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनुनाथ, जो हो मानव के हित समान। सुमित्रा नंदन पंत जी ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं, उस ईश्वर की भक्ति करूं, उस ईश्वर का प्रेमी बनूं जो इस संसार में सदा रहने वाला है, जो सौंदर्य से पूर्ण है, जो सत्य, जिसमें सत्य के प्राण हों, सत्य हम बसता है, मैं मानव हित के लिए कार्य कर सकूं, मैं एक ऐसे ईश्वर का प्रेमी बनूं। भावार्थ यह है कि इसमें कवि एक ऐसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसे ईश्वर का प्रेमी बनना चाहते हैं जो सौंदर्यपूर्ण हो, सत्य से पूर्ण हो तथा मानव हित के लिए कार्य कर सके। आगे है, जिसे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि मैं वह प्रकाश बनूं, कि मैं एक ऐसा प्रकाश बनूं जिससे जीवन में एक शक्ति मिले, यानी जिससे मेरे जीवन में भय संशय, संशय मीन्स डर, तथा अंधविश्वास का नाश हो, तथा जिससे संपूर्ण मानव जाति का भला हो सके। भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्रकाश बनूं जिससे मानव हित का कल्याण हो। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे अमर दान प्राप्त करके मैं मानव का परित्राण मीन्स बचाव कर सकूं। हे प्रभु, आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करके एक मानव का निर्माण यानी मानव को पूरे कार्यों से बचा सकूं, तथा विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का सवेरा ला सकूं। भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि मैं आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करके नव जीवन का सवेरा ला सकता हूं। आशा है
सभी को कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके शब्दार्थ और व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, प्रार्थना कविता के आधार पर बताएं कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? उत्तर है कवि सौंदर्य और सत्य का प्रेमी बनना चाहता है। प्रश्न तीन है, कविता के आधार पर कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है? उत्तर है कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे उसे शक्ति मिले तथा भय संशय और अंधभक्ति मिट जाए। अगला क्वेश्चन है, कविता में कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? उत्तर है प्रभु से अमरता का वरदान पाकर कवि नए जीवन का सवेरा ला सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने किया सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो एक प्रार्थना है, इसके वर्ड मीनिंग, व्याख्या और प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।